नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निगोई थाना क्षेत्र में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या। प्रेमिका की हत्या के बाद खुद की गोली मारकर की आत्महत्या। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी। जलालाबाद के चमरपुरा गांव में पशुचर की जमीन से अवैध तरीके से मिट्टी उठाए जाने का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने SDM को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग। टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हुए कार्यों की जानकारी ली। और जैतीपुर पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। 1.5 किलो अफीम हुई बरामद। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई गई। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट। शाहजहांपुर में सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करके खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। मारने वाले प्रेमी युगल आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के रिश्ते से परिवार नाराज थे। फिलहाल पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। घटना थाना निगोई क्षेत्र के तिंदुलिया गांव की है। यहां आज सुबह तड़के एक कमरे से एक के बाद एक 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। परिवार के लोग कमरे की तरफ पहुंचे तो अंदर से कुंडा लगा हुआ था और युवक के चीखने की आवाज़ आ रही थी। ग्रामीणों ने किसी तरह से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर रमा यादव नाम की युवती की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई। वहीं मुकेश यादव नाम के युवक की गर्दन में गोली लगने से तड़प रहा था। परिवार वालों ने फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलाई और घायल मुकेश को अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जलालाबाद क्षेत्र के चमरपुर गांव में पशुचर की जमीन से मिट्टी उठाए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने SDM को शिकायत कर बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार ने यहां पशुचर की जमीन से मिट्टी उठाकर उसको तालाब में तब्दील कर दिया है और यहां से मिट्टी उठाकर गंगा एक्सप्रेसवे पर डाली जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जाँच कराकर कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में 141 नवनियुक्त नर्सों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए समारोह का लखनऊ में आयोजन किया गया था। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से सभी नवनियुक्त स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जैतीपुर थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ की अफीम बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर भमरपाल उर्फ बबलू और रितेश को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह यादव की पत्नी शकुंतला यादव का आज सुबह निधन हो गया। शकुंतला यादव के निधन के बाद लोग उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि शकुंतला यादव पूर्व विधायक राजेश यादव की माताजी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज महाविद्यालय ITI और GTI के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मतदाता वोटर ID कार्ड बनवाए जाने को लेकर बताया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग का हिस्सा हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि समाज के सभी तबकों के युवाओं को वोट बनवाने और मताधिकार का इस्तेमाल करने के बारे में प्रेरित करें। कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर में आज विश्व मृदा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक किसान गोष्ठी भी आयोजित की गई। यहां केंद्र प्रभारी डॉक्टर NC त्रिपाठी ने कृषकों को विश्व मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य बताया।
मदनापुर पुलिस ने स्मैक तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए आंकी गई है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से दो मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम हबीब और याकूब बताए जा रहे हैं। दोनों तस्कर बरेली जनपद के रहने वाले हैं। आज कलेक्ट्रेट सभागार में टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रहे कार्यों की बृहद समीक्षा की गई। परिषदीय विद्यालयों में बन रहे दिव्यांग शौचालय, फर्नीचर और अलीकरण के विषय में जिला अधिकारी ने जानकारी ली।